अपने ग्रेशिया अल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर को स्विच ऑन करें। चार इंडिकेशन, फिल्टर लाइफ इंडिकेटर, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टैंक और तीन टच स्विचेस, वार्म, हॉट और एम्बियंट 5 सेकंड के लिए ग्लो करेंगे। यदि टैंक इंडिकेशन ब्लिंक करता है, यानी इंडिकेट करता है कि इनपुट पानी का प्रेशर पर्याप्त नहीं है, तब सुनिश्चित करें कि इनपुट पानी का प्रेशर दी गई रेंज के अनुसार है। यदि पानी का प्रेशर ठीक है तो यूवी साइकिल शुरू हो जाएगा और यूवी इंडिकेशन ब्लिंक करने लगेगा। 30 सेकंड के लिए रुके हुए पानी को डिसइंफेक्ट करेगा। 30 सेकंड के बाद सिस्टम शुद्ध पानी से टैंक को भरना शुरू कर देगा। इस ड्यूरेशन के दौरान यूवी आइकन सॉलिड ग्लो करेगा। एक बार टैंक में पानी भर जाने पर सिस्टम प्यूरिफिकेशन बंद कर देगा और टैंक इंडिकेटर सॉलिड ग्लो करेगा। रूम टेम्परेचर का पानी कभी भी डिस्पेंस किया जा सकता है। रूम टेम्परेचर का पानी डिस्पेंस करने के लिए या रोकने के लिए ड्रॉप आइकन टच करें। यूजर को गाइड करने के लिए फॉसेट ब्लू LED ग्लो करेगा। बीप साउंड आने पर आपका एक्शन पूरा हो जाएगा। हॉट या वार्म सिलेक्शन इंडिकेशन टैंक भर जाने के बाद दिखाई देगा। यूजर अपनी सुविधा के अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। वार्म वाटर डिस्पेंस ऑप्शन चुनने के लिए टैंक भर जाने के बाद हीटिंग प्रक्रिया को स्टार्ट करने के लिए 3 सेकंड के लिए वार्म आइकन को टच और होल्ड करें। सिलेक्टेड आइकन तब तक ब्लिंक करता है जब तक वे सेट टेम्परेचर तक नहीं पहुंच जाता। सेगमेंट डिस्प्ले हर 10 सेकंड में 2 सेकंड के लिए पानी का टेम्परेचर दिखाएगा। जब तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो सिलेक्टेड आइकन एक लंबी बीप के साथ वार्म पानी डिस्पेंस करने के लिए इंडिकेट करता है। वार्म वाटर को डिस्पेंस करने के लिए 1 सेकंड के लिए वार्म वाटर के आइकन को टच और होल्ड करें। 1 मिनट के डिस्पेंस के बाद वार्म वाटर का डिस्पेंस अपने आप बंद हो जाएगा या फिर पानी को तुरंत रोकने के लिए किसी भी आइकन को टच करें। यूजर को गाइड करने के लिए फॉसेट LED सॉफ्ट रेड ग्लो करेगा। यूजर 5 बीप की आवाज आने तक केवल ड्रॉप आइकन को दबाकर हीटर को किसी भी पॉइंट पर बंद कर सकता है। हॉट वाटर डिस्पेंस ऑप्शन को चुनने के लिए हीटिंग प्रक्रिया स्टार्ट करने के लिए 3 सेकंड के लिए हॉट आइकन को टच और होल्ड करें। सिलेक्टेड आइकन तब तक ब्लिंक करता है जब तक वह सेट टेम्परेचर तक नहीं पहुंच जाता। सेगमेंट डिस्प्ले हर 10 सेकंड में 2 सेकंड के लिए पानी का टेम्परेचर दिखाएगा। जब तापमान 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो सिलेक्टेड आइकन एक लंबी बीप के साथ गर्म पानी निकालने के लिए तैयार होने का इंडिकेट कर देता है। जब प्यूरिफायर गर्म पानी देने के लिए तैयार हो तो वार्म प्लस हॉट को एक साथ दबाकर अनलॉक करें। अब डिस्पेंसिंग शुरू करने के लिए 1 सेकंड के लिए हॉट वाटर आइकन को टच करें और होल्ड करके रखें। यूजर को गाइड करने के लिए फॉसेट LED रेड लाइट ग्लो करेगा। एक्सीडेंट और दुर्घटना से बच्चों को बचाने के लिए हॉट वाटर सेफ्टी फीचर के साथ आता है। हॉट वाटर 20 सेकंड के लिए डिस्पेंस नहीं होता है तो प्यूरिफायर चाइल्ड लॉक कर देगा। यूजर 5 बीप की आवाज आने तक केवल ड्रॉप आइकन को दबाकर हीटर को किसी भी पॉइंट पर बंद कर सकता है। सेटिंग को हॉट से वार्म तापमान में बदलने के लिए यूजर को पहले पानी के टेम्परेचर को 50 डिग्री से कम करने के लिए डिस्कार्डिंग या वेट करना होता है। और ऑप्शन दिखाई देने पर फिर से टेम्परेचर को रीसिलेक्ट किया जा सकता है। जब तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाता है तो सिलेक्टेड आइकन एक लंबी बीप के साथ वार्म वाटर निकालने के लिए तैयार होने का संकेत देता है। यदि 30 मिनट के लिए हॉट या वार्म पानी नहीं निकलता है तो सिलेक्शन इंडिकेशन बंद हो जाएगा। यूजर की आवश्यकता अनुसार हीटिंग मोड हॉट या वार्म को सिलेक्ट किया जा सकता है। यदि तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो CSL मैसेज क्लॉक पर दिखाई देगा। तो पहले अनलॉक करें और पानी डिस्पेंस करें। टैंक फुल होने के बाद यदि 4 घंटे तक सिस्टम से पानी नहीं निकलता है तो पीरियोडिक टैंक स्टेरिलाइजेशन साइकिल 10 मिनट के लिए शुरू हो जाएगा और इस प्रक्रिया के दौरान वाटर डिस्पेंस नहीं हो सकता। इस दौरान 4 इंडिकेटर, फिल्टर लाइफ इंडिकेटर, UV, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टैंक सॉलिड ग्लो करेंगे और PTS यानी पीरियोडिक टैंक स्टेरिलाइजेशन मैसेज दिखेगा। ये PTS टैंक में पानी की देखभाल करेगा और पानी को सेफ बनाए रखने के लिए टैंक की सतह पर किसी भी माइक्रोबियल वृद्धि से भी बचाएगा। क्लॉक सेट करने के लिए यूनिट को स्टार्ट करें। 5 सेकंड के लिए सेल्फ टेस्ट के दौरान
वार्म प्लस ड्रॉप आइकन को एक साथ टच और होल्ड करके रखें। हॉट आइकन का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए होता है और वार्म आइकन का इस्तेमाल कम करने के लिए होता है। सिलेक्ट करने के लिए ड्रॉप आइकन है। यदि 10 सेकंड के लिए डिस्पेंस टच का उपयोग नहीं किया जाता है तो सिस्टम प्यूरिफिकेशन प्रोसेस शुरू कर देगा।